आप सभी को नमस्कार। मैं आचार्य किशन महेश्वरी आज आप सभी को राहु जनित और शनि जनित एक विशेष शोध विशेष सूत्र आपको बताता हूँ। अगर किसी भी जातक की राहु की दशा चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, शनि की साढ़े साती ढहिया चल रही है और उससे कामों में दिक्कत आ रही है, तो पहले तो हम उन सभी को बताते हैं जिनकी शनि का कोई प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, शनि आपका सबसे स्लो चलने वाली ग्रह है, ढाई साल में एक घर से दूसरे घर में आती है। अगर किसी की फैक्ट्री में लेबर भाग जाती है या उसके कर्मचारी उसका साथ नहीं दे रहे हैं या कर्मचारी समय पे नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहली पहचान यह है कि आपका शनि खराब है। अचानक किसी चीज में काम में ओके होने के बाद भी अगर वो ना हो जाए, यानी कि हर तरह की अड़चने आती है, तो साथ में आपका राहु भी खराब है। अब शनि और राहु को बैलेंस करने के भी उपाय बताते हैं, साथ में एक दो भाइयों के सवाल हैं, उनके जवाब आपकी कुंडली से मैच करते हो तो करके देखिएगा, शायद आपको फायदा हो। देखिए क्या करना है, रास्ते में चलते हुए अगर कोई कील पड़ी हुई पा जाए तो उसे उठा लीजिए। शर्त यह है कि वो रास्ते में पड़ी हुई हो, ऐसा नहीं कि आपने कील डाल दी और आप उठा लाए, ये प्रयोग अधूरा होगा। कोई भी कील पड़ी हुई उसे ले आइए। अब अगली शर्त यह है कि उसको भैंस के ही मूत्र में भिगोनी है, गाय के मूत्र में उसे नहीं भिगोनी है। भैंस कहीं भी हो वहां से आप थोड़ा सा उनका मूत्र ले आइए और उसमें उस कील को एक दो दिन के लिए भिगो दीजिए। शनिवार के दिन आप अपनी साउथ और ईस्ट की दीवार पे उसे ठोक दीजिए, फैक्ट्री में या आपका ऑफिस है या कार्यालय है या आपकी दुकान है, जहां भी आप बिजनेस करते हैं, भला वो कोई भी व्यापार आपका हो, आप देखिएगा आपका शनि ठीक, आपकी ना लेबर भागेगी ना आपके कर्मचारी भागेंगे और ना वो काम करते हुए थकेंगे, आप जितना काम सोचेंगे उससे ज्यादा काम करके वो देंगे। एक नंबर दो, अगर किसी भी जातक को बिल्कुल ही एकदम ठीक करना है तो शनिवार के दिन आप अपनी लेबर यानी जो फैक्ट्री में लेबर है उसके साथ बैठ के भोजन करें और भोजन भी आप फैक्ट्री में बनवाएं, उनको स्पेशल ये कहा जाए कि आप शनिवार के दिन खाना घर से नहीं लाएंगे, आप इतने भंडारे करते हैं, भीड़ मचा देते हो, रास्ता जाम हो जाता है, आपके साथ जो आपकी टीम है जो काम करती है जो आपके साथ दिन रात मेहनत करती है और मेहनत करके आपको कहीं की मारी कहीं पहुंचा देती है, आप उनके साथ अपनी खुशियां शेयर करें, अपना जन्मदिन उनके बीच में मनाएं, अपनी सालगिरह मनाएं, उनको तरह तरह के मिष्ठान खिलाएं, देखिएगा शनि आपका कितना बढ़िया हो जाएगा। इतना अचूक उपाय है, प्रयोग किया हुआ उपाय, मैंने काफ़ी फैक्ट्री वालों से ये उपाय कराया, सबका रिजल्ट बढ़िया आया। अब एक उपाय आपको राहु से संबंधित मैं बताता हूं। अगर राहु कितना भी परेशान कर रहा हो तो थोड़ी सी हरी दुर्वा घास पारक से लाएं, दो कटोरी में उसे रखें, एक कटोरी में दुर्वा जो रखी उसमें एक चम्मच शहद डालें, दूसरी कटोरी में एक चम्मच दूध डालें। शहद वाली दुर्वा आप गणेश जी को भेंट करें और दूध वाली दुर्वा आप शिवलिंग पे चढ़ाएं, आपका राहु से संबंधित जितनी समस्याएं हैं सब आपकी खत्म हो जाएंगी। अगर किसी की पत्नी, ये राहु शनि का ही मैच बता रहे हैं क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा ये कार्य करता है, हमारे अध्ययन का शोध का विषय, अगर किसी की पत्नी रूठ करके घर से चली गई, आ नहीं रही है, अगर उसके कुछ वस्त्र आपके घर पे हैं, वो शादी के वस्त्र हो या वो वस्त्र सारे नहीं ले गई है, तो उन वस्त्रों को उल्टा कर दीजिए, सीधे होते हैं उसको उल्टा कर दीजिए और उल्टा करके समेट के रख दीजिए। हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपकी रूठी हुई पत्नी वापसी आएगी, ये मैंने प्रयोग काफ़ी लोगों को बताया, बेहतरीन रिजल्ट उसका आया। अगर ऐसा है आपके साथ तो आप भी प्लीज अजमा के देखिए। नंबर तीन, अगर किसी का राहु और भी अति खराब है, बिल्कुल ही महादशा चल रही है, शनि की साढ़े साती भी चल रही है, ढहिया भी चल रही है,
तो एक केले के पत्ते पे आप 3 जगह चावल दाल रखें थोड़ी थोड़ी, उसमें से एक एक गस्सा आप खा लीजिए, बाकी तीनों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप उस पूरे चावल दाल को ऐसी जगह लेके जाइए केले के पत्ते सहित जहां पे सुअर हो, आप सुअर को खिलाइए, देखिएगा रिजल्ट, कमाल का रिजल्ट आपकी टेबल पे आएगा, निश्चित विश्वास करके आप करके देखिए। आशा है आप सबको विषय समझ में आया होगा। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ।